YouTube family, today we are diving deep into the profound economic ideologies of Dr. B.R. Ambedkar, a visionary whose thoughts resonate even more powerful in today's world. From challenging societal norms to envisioning an inclusive economic framework, join me as we unravel the timeless wisdom of Ambedkar's economic thought. If you are curious about shaping a just and equitable future, this video is your gateway to understanding the economic genius of one of history's remarkable minds. So sit back, hit that subscribe button, and let's embark on a journey of enlightenment together. So let's start understanding the visionary economist. Okay, let's start with introduction. Dr. B.R. Ambedkar was born in 1891 में born हुए थे, और वो एक तरीके से चीफ आर्किटेक्ट थे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के. वो ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड भी थे और फर्स्ट लॉ मिनिस्टर भी थे. उन्होंने जो सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ थी, यानी कि जो हमारे समाज में जो एक तरीके से उन्होंने जाति प्रथा को का विरोध किया था, और जो समाज में कई सारी सामाजिक कुरीतियाँ थी उनका विरोध किया था, और कैसे एक इनइक्वालिटी होती थी उस समाज में बहुत ज़्यादा, मतलब जो गरीब एकदम गरीब, गरीबी में एकदम लीन है, और जो अमीर है एकदम अमीर है. ओके, तो इसको इन्होंने कम करने के लिए कई सारे सुझाव दिए थे. जैसे कि इन्होंने बताया था कि जो जनता है, जो गाँव के लोग हैं, उन लोगों को इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए शहरों की ओर बढ़ना चाहिए, ताकि उनके पास रोजगार हो, और जिसके वजह से उनकी जो आने वाली पीढ़ी होगी वो पढ़ी लिखी होगी और जो इनइक्वालिटी है वो कम होगी. ओके, सो डिस्पाइट फेसिंग डिस्क्रिमिनेशन इन हिज अर्ली लाइफ, जो उनकी अर्ली लाइफ थी उन्होंने बहुत डिस्क्रिमिनेशन झेला. उन जो जब जहाँ वो पढ़ते थे वहाँ पे वो उनकी क्लास में उनको इंटर नहीं करने दिया था, इंटर करते थे तो उनको जमीन पे बैठाया जाता था. तब भी उन्हें एक तरीके से बहुत ही पढ़े लिखे इंसान थे. उन्होंने कई सारी जगहों पे जैसे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और कोलंबिया यूनिवर्सिटी से अपनी शिक्षा हासिल की, और इकोनॉमिक्स में और कई सारी क्षेत्रों में उन्होंने पीएचडी हासिल की. दिस प्रेजेंटेशन एक्सप्लोर द इंट्रिकेट रिलेशनशिप बिटवीन अम्बेडकर पर्सनल जर्नी, हिज कमिटमेंट टू सोशल जस्टिस, एंड द इकोनॉमिक प्रिंसिपल ही हैड एडवोकेटेड फॉर ए मोर इक्विटेबल इंडिया. तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कैसे उन्होंने अपनी जो इकोनॉमिक थ्योरीज थी उसको दिया, और उनका क्या क्या कहना था विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में. ओके, तो चलिए समझते हैं हम लोग. तो उनकी अर्ली लाइफ जैसे मैंने बताया बहुत ही डिस्क्रिमिनेशन हुआ उनके साथ, और सोशल इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ भी रहीं. तो उस हिसाब से उन्होंने बहुत ही अपने अंदर बहुत ही बदलाव किए, और अपने अंदर ही नहीं बल्कि समाज को भी सुधारा. उन्होंने कई सारी जगहों पर पढ़ाई की, उन्होंने अपने जो अपने बुद्धि का विस्तार किया, और उससे हमारे भारत में आके एक नए सिस्टम का एक वो किया, शुरुआत किया. उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड भी थे, तो जाहिर था जितना भी पूरे कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा तैयार हुआ है वो इन्हीं के राय मशवरे से हुआ है. तो इस हिसाब से पूरी इनकी जो विचारधारा है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में झलकती है, और इन्होंने विभिन्न वर्गों के लोगों के लिए एक समान कानून लाने का प्रस्ताव भी रखा था. तो ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं. और सो Despite adversity, his pursuit of education, including a law degree from University of London, laid foundation for his future role as a social and economic visionary. The challenges he faced in his formative years deeply influenced his commitment to creating a more just and economical balanced society. तो मैंने आपको ये बताया ही, चलिए आगे चलते हैं. आगे जैसा कि देख सकते हैं हम, सोशल जस्टिस एंड इकोनॉमिक्स, इन दोनों क्षेत्रों में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है. सो अम्बेडकर की जो फिलॉसफी थी वो एक तरीके से मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करते थे. मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब जो सरकारों को प्राइवेट इंडिविजुअल्स के साथ मिलके काम करना चाहिए. मतलब जैसे जो सोशलिस्ट इकोनॉमी बिल्कुल होती है उसमें सरकार का ही पूरा रोल होता है, सरकार हर क्षेत्रों पे कंट्रोल रखती है. पर जो अम्बेडकर कहते थे कि सरकार को हर क्षेत्र नहीं संभालना चाहिए, क्योंकि सरकार को उसके साथ बर्डन उसके बढ़ जाएंगे, इसीलिए जो उसके कई सारे काम होते हैं प्राइवेट इंडिविजुअल्स को भी देने चाहिए. तो अम्बेडकर का कहना ये था. ओके, क्योंकि उन्होंने बाहर देशों में पढ़ाई भी की थी, तो वहाँ पे ये चलन ज़्यादा था, वहाँ पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ज़्यादा थी, तो उन्हें इन सब के बारे में ज़्यादा जानकारी थी. अम्बेडकर्स इकोनॉमिक फिलॉसफी वॉज ग्राउंडेड इन द बिलीव दैट ट्रू प्रोग्रेस एड्रेसिंग बॉथ इकोनॉमिक एंड सोशल डिस्पैरिटीज. ओके, अम्बेडकर इकोनॉमिक फिलॉसफी एक्सप्रेस्ड इन हिज आइडियाज ऑन मिक्स्ड इकोनॉमी, सोशलिज्म, स्टेट ओनरशिप ऑफ इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियलाइजेशन एटसेट्रा.
he belongs to group of liberal thinkers, but by and large his orientation is that of socialist. Strangely, he does not agree with Karl Marx, as his ideas and method appeared violent to Ambedkar. His economic ideas reflected his concern for the downtrodden and his landlords and capitalists. He advised mixed economy or state socialism. He argued that a society free from discrimination मतलब आप समझते ही होंगे क्या होता है discrimination मतलब भेदभाव कि society जो होनी चाहिए वो उसमें discrimination नहीं होना चाहिए और जो society जो है वो society में discrimination एक तरह का अभिशाप है और एक अगर economic development चाहिए तो discrimination खत्म होना चाहिए inequalities खत्म होनी चाहिए. अम्बेडकर unique perspective challenged conventional economic theories emphasizing for the need of inclusive and just not economic order. So इन्होंने inclusiveness की बात की है. inclusive मतलब जैसे एक जो अपर लोअर लेवल के इंसान से अपर लेवल इंसान तक जो एक अपर लेवल पे जो एक व्यक्ति है और अपर लेवल की का व्यक्ति है उन दोनों में एक तरीके से जो उनके बीच का गैप है वो कम होना चाहिए. इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं चाहिए यानी कि जो भी रिसोर्सेस हैं वो लोअर लेवल के व्यक्ति तक पहुंचने चाहिए. तो वो इकोनॉमिक ऑर्डर की बात करते थे उसके साथ इंक्लूसिविटी की बात करते थे. इंक्लूसिवनेस उसमें होना चाहिए. ओके सो चलिए आगे बढ़ते हैं. उनकी एक बहुत अच्छी एक वर्क है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट. कास्ट जो है वो एक अभिशाप है. remains one of the Ambedkar's seminal works reflecting his deep concern with the socio-economic consequences of the caste system. तो जैसा कि हमने देखा वो पहले ही भी झेल चुके थे इससे कि caste system से उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था. तो वो एक तरीके से जो caste system है उसको अभिशाप मानते थे और जब तक एक caste system रहेगा तब तक inequality बनी रहेगी. लोगों में जो एक section of society है उसको marginalize कर दिया जाएगा और एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी बहुत ही ऊपर रहेगा जिससे कि उनके बीच का गैप कम नहीं हो सकता. सो इसके बारे में उन्होंने बताया था. हिज क्रिटिक वेंट बियॉन्ड अ सोशल पर्सपेक्टिव डेल्विंग इनटू द इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन ऑफ अ सिस्टम दैट परपिट्यूएटेड इनइक्वालिटी. सो आगे बढ़ते हैं. तीसरी चीज उन्होंने बात की थी रिजर्वेशन पॉलिसी की. अम्बेडकर इंट्रोडक्शन ऑफ रिजर्वेशन वाज अ स्ट्रेटेजिक मूव टू इनडायरेक्टली हिस्टोरिकल इनजस्टिस एंड प्रोमोट इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ. तो इन्होंने इंक्लूसिव ग्रोथ की बात की थी उसमें रिजर्वेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. जैसा अभी भी हम देखते हैं कि जो हमारे शेड्यूल कास्ट के लोग हैं या एकदम जो मार्जिनलाइज्ड लोग हैं उनके पास अभी भी रिसोर्सेज नहीं है कि वो पढ़ लिख सकें अच्छे से. उनके पास उतना पैसा नहीं है. उनके पास पैसा नहीं है कि वो अपना हेल्थ केयर अच्छे से कर सकें तो पढ़ाएंगे कहाँ से. उनको दो वक्त के खाने के लिए भी बहुत परिश्रम करना पड़ता है. तो ये सब चीज़ें हैं. तो इन्होंने रिजर्वेशन की बात करके अम्बेडकर ने बहुत अच्छी बात की थी. तो इसलिए उनका एक स्ट्रेटेजिक मूव था ये रिजर्वेशन पॉलिसी. द रिजर्वेशन पॉलिसी एम्ड टू प्रोवाइड मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज एसेस टू एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़. तो ये जो रिजर्वेशन पॉलिसी थी उसमें जैसा है कि हर विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में चाहे वो एजुकेशन हो चाहे जॉब क्राइटेरिया हो सब में रिजर्वेशन लगता है. तो एक तरीके से ये बहुत ही अच्छा रहा इन लोगों के लिए. ओके बाय इंटरवीनिंग सोशल जस्टिस विथ इकोनॉमिक पॉलिसीज अम्बेडकर सेट अप प्रेसिडेंट फॉर एफिर्मेटिव एक्शन टू एड्रेस हिस्टोरिकल इनइक्वालिटीज. तो ये जो रिजर्वेशन पॉलिसी रही एक तरह का एक उनका हिस्टोरिकल मूव बन गया कि वो उन्होंने जो इनइक्वालिटीज हैं उसको कम करने की ठान ली रिजर्वेशन पॉलिसी के द्वारा. तो आगे बढ़ते हैं. फोर्थ चीज हम देखते हैं एग्रीकल्चर और रूरल इकोनॉमी में. तो जो अम्बेडकर जी जो कहते थे कि जो रूरल यानी कि जो रूरल एरिया में जो लोग रह रहे हैं उनको शहरों टाउन्स की तरफ शिफ्ट होना चाहिए काम के लिए कि सभी को एग्रीकल्चर पर निर्भर नहीं होना चाहिए क्योंकि एग्रीकल्चर का कुछ भरोसा नहीं होता. उस समय इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी कि इरिगेशन सही से हो सके. सो उतने ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो नहीं पाते थे. उनको जो लोग काम करते थे उनको खुद खाने को नहीं मिल पाता था. तो अम्बेडकर जी कहते थे कि जो रूरल लोग हैं रूरल एरिया में रहने वाले उनको शहरों की तरफ जाना चाहिए बड़े बड़े कारखानों में काम करने चाहिए. उन्हें पैसे तभी अर्न हो पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए. तभी इन्होंने बात की थी कि मिक्स्ड इकोनॉमी की. इसीलिए वो कहते थे सोशलिस्ट नहीं मिक्स्ड इकोनॉमी होनी चाहिए क्योंकि जब ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज होंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो गाँव के लोग शहरों में जाके काम रोजगार पा पाएंगे जिससे कि उनके पास पैसे आएंगे तो वो कई सारी सुविधाएं ले सकते हैं जिससे कि उनमें इनइक्वालिटीज कम हो जाएंगी.
ओके ही एडवोकेटेड फॉर द लैंड रिफॉर्म्स एंड हिज एंड फेयर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस टू अपलिफ्ट रूरल कम्युनिटीज. उन्होंने लैंड रिफॉर्म भी कई सारे एडवोकेट किए और एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को अपलिफ्ट करने के लिए भी कई सारे प्लान्स बताए. अम्बेडकर्स इकोनॉमिक विजन एक्सटेंडेड टू द एग्रीरियन सेक्टर रिकॉग्नाइजिंग द पिवोटल रोल ऑफ एग्रीकल्चर इंडियाज इकोनॉमी. अम्बेडकर्स इनसाइट इन द रूरल इकोनॉमी हाईलाइटेड द इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट फॉर ओवरऑल इकोनॉमिक प्रोग्रेस. तो इन्होंने एग्रीकल्चर को भी कहा कि एग्रीकल्चर होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, तभी इकोनॉमी का प्रोग्रेस होगा. फिफ्थ बात की इन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन की. जैसा मैंने बताया आपको, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में पहले ही बताया है. इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज अ कॉर्नर स्टोन ऑफ अम्बेडकर्स इकोनॉमिक विजन व्यूड एज अ कैटलिस्ट फॉर जॉब क्रिएशन एंड इकोनॉमिक एम्पावरमेंट. तो इंडस्ट्रियलाइजेशन एक तरीके से जॉब क्रिएशन और एम्पावरमेंट का भी एक सोर्स बनेगा. तो इन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात की है. हिज एम्फेसिस ऑन बिल्डिंग अ रोबस्ट इंडस्ट्रियल सेक्टर अलाइंड विथ हिज गोल ऑफ प्रोवाइडिंग इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज टू ऑल सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी. अम्बेडकर्स विजन ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन इन्फ्लुएंस पोस्ट इंडिपेंडेंस इकोनॉमिक पॉलिसीज शेपिंग द ट्रैजेक्टरी ऑफ इंडिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट. तो ये जो अम्बेडकर की इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी है, उसने जो पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में बहुत सारे जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस का कारण रहा, इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी अम्बेडकर की. ओके, तो ये समझते हैं. इन्होंने लेबर राइट्स के बारे में बताया कि लेबर्स का कैसे क्या राइट होना चाहिए. रिकॉग्नाइजिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ लेबर इन इकोनॉमिक ग्रोथ. जैसा कि हम समझ सकते हैं कि लेबर का ये इकोनॉमी में बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट है, क्योंकि अगर लेबर ही ना हो तो हर काम रुक जाएगा. इकोनॉमी में कई सारे तरह के लेबर होते हैं, जैसे कि स्किल्ड अनस्किल्ड, स्किल्ड में भी कई सारे तरह के होते हैं. अगर लेबर का अच्छे से ध्यान नहीं रखा जाएगा, उनके लिए इंसेंटिव्स नहीं होंगे, उनको अच्छी सैलरी नहीं मिलेगी, उनके वर्क आवर्स अच्छे नहीं होंगे, तो वो काम नहीं कर पाएंगे, वो डीमोटिवेट होंगे काम करने के लिए. तो अम्बेडकर ने उसके लिए लेबर राइट्स निकाले थे. अम्बेडकर चैम्पियन द कॉज ऑफ वर्कर राइट्स. हिज एडवोकेसी फॉर फेयर वेजेस, रीजनेबल वर्किंग आवर्स एंड इम्प्रूव्ड वर्किंग कंडीशन रिफ्लेक्टेड अ कमिटमेंट टू सोशल जस्टिस. वो ये सब करके एक सोशल जस्टिस देना चाहते थे विद इन द इकोनॉमिक स्फीयर. इकोनॉमिक स्फीयर में अम्बेडकर फोकस ऑन लेबर राइट्स लेड द ग्राउंड वर्क फॉर फ्रीक्वेंट लेबर रिफॉर्म्स इन इंडिया. सो ये सब चीज़ें हुई. फिर चार्टवीं चीज़ उन्होंने एजुकेशन और इकोनॉमिक इन्वायरमेंट की, अगर एजुकेशन होगा तो कैसे इकोनॉमी के लिए इम्पावरमेंट बढ़ेगा. ओके, तो एजुकेशन वाज अ कॉर्नर स्टोन ऑफ अम्बेडकर स्ट्रेटजी फॉर इकोनॉमिक इम्पावरमेंट. ही बिलीव्ड इन डेमोक्रेटाइजिंग एक्सेस टू एजुकेशन पार्टिकुलरली फॉर द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज एज अ मीन्स टू ब्रेक द साइकिल ऑफ पॉवर्टी. अम्बेडकर विजन अंडरस्कोर द ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ एजुकेशन इन फॉस्टरिंग इकोनॉमिक मोबिलिटी एंड रिड्यूसिंग सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज. सातवीं बात उन्होंने फेडरलिज्म पे कही थी, इकोनॉमिक फेडरलिज्म. अम्बेडकर एडवोकेसी फॉर इकोनॉमिक फेडरलिज्म एम टू डिसेंट्रलाइज इकोनॉमिक पावर एंड प्रमोट रीजनल डेवलपमेंट. तो एक तरीके से उन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन की बात की थी कि जो पावर्स होनी चाहिए वो डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए और इकोनॉमिक जो होनी चाहिए वो डिस्ट्रीब्यूशन में होनी चाहिए. ही आर्ग्यूड दैट द एम्पावरिंग लोकल इकोनॉमीज वुड कंट्रीब्यूट टू ओवरऑल नेशनल प्रोग्रेस. अगर लोकल इकोनॉमीज एम्पावर होंगी तो हमारे ओवरऑल नेशनल प्रोग्रेस होगा, इकोनॉमिक प्रोग्रेस होगा. ओके, तो एक तरीके से अगर बेस मजबूत रहेगा तभी जो बिल्डिंग होगी वो भी मजबूत रहेगी. तो ये कहना था अम्बेडकर जी का. अम्बेडकर इनसाइट ऑन इकोनॉमिक फेडरलिज्म रिमेन्स रेलेवेंट इन कंटेम्परेरी डिबेट्स ऑन गवर्नेंस एंड इकोनॉमिक पॉलिसी. सो ये अभी भी रेलिवेंस है जो उनका इकोनॉमिक फेडरलिज्म है. हाईलाइटिंग द एंड्यूरिंग नेचर ऑफ हिज इकोनॉमिक थॉट. अब देखते हैं कि उनकी लीगेसी एंड इम्पैक्ट क्या कह रहे हैं. डॉक्टर अम्बेडकर इकोनॉमिक आइडियाज कंटिन्यू टू सेव द इकोनॉमिक पॉलिसीज इन मॉडर्न इंडिया. वो अब भी सेव कर रही हैं इकोनॉमिक पॉलिसीज को. हिज लीगेसी एक्सटेंड्स बियॉन्ड हिज रोल इन ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन टू इम्पैक्ट द इकोनॉमिक थॉट एंड पॉलिसी मेकिंग. अम्बेडकर एम्फेसिस ऑन इंक्लूसिव डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस रिमेन्स अ गाइडिंग बीकन फॉर दोज सीकिंग टू बिल्ड अ मोर इक्विटेबल इकोनॉमिक लैंडस्केप इन इंडिया एंड बियॉन्ड. सो थैंक यू. And as we conclude this exploration in the economic thoughts of Dr. B.R. Ambedkar, it's evident that his visionary ideas continue to resonate. His emphasis on social justice, economic equality and empowerment remains a beacon for us today. Let's reflect on this principle and strive to build a future where economic prosperity is inclusive and accessible to all. Thank you for joining me on this insightful journey. If you
found this video valuable, don't forget to like, share and subscribe for more thought-provoking content. Until next time, stay informed, stay inspired. Thank you.